एंड नाउ आई विल सी द टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड कलर. ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल वी डिफाइन बोथ बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज एंड द कलर प्रॉपर्टीज. तो लास्ट हमने भी देखा था प्रीवियस टाइम में, जो देखा था कि कलर किस तरीके से हम टेक्स्ट का चेंज करते हैं, ठीक है, किस तरीके से अलाइन चेंज उसका सेट करते हैं. इसमें हम देखेंगे बैकग्राउंड में किस तरीके से हम इसको प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, कलर प्रॉपर्टीज और बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज में. Strong. कंट्रोल सी से मैंने किया इसको, ठीक है, कंट्रोल एन करके मैं न्यू पे किया देता हूँ, कंट्रोल पी करके पेस्ट किया, कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर लेता हूँ. हमारा था P31 मैंने करके मैं इसको पी, चलो 31.html. तो इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को क्रिएट किया. बॉडी के अंदर हमने एक हेडिंग ली, एक पैराग्राफ लिया, एक डिव लिया, ठीक है. तो बॉडी का जो हमने बैकग्राउंड कलर लिया वो लाइट ग्रे लिया, उसका जो कलर होगा हमारा वो ब्लू होगा, ठीक है. बैकग्राउंड कलर जो होगा वो ब्लैक होगा H1 का, और मेन कलर जो होगा वो वाइट होगा. डिव का जो हमने कलर लिया वो बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा एंड कलर जो हमारा वाइट होगा. मैं रन करके देखता हूँ प्रोग्राम को, जो भी हमारा आउटपुट होगा से रिलेटेड हम देखेंगे कि हमने बैकग्राउंड में क्या दिखाया है, परफॉर्म क्या रहा है, और मेन जो हमने क्या परफॉर्म कराया वो ये कराया. यानी कि हमने बैकग्राउंड के अंदर जो हमने कलर लिया है, ठीक है, पूरी बॉडी का वो लिया है क्या हमने लाइट ग्रे, और जो कलर हमने लिया है वो क्या लिया है ब्लू कलर लिया है हमने. जो बॉडी पे हमारा काम करेगा कोई भी कलर वो ब्लू कलर का करेगा, ठीक है. हेडिंग का जो हमने कलर लिया बैकग्राउंड कलर वो ब्लैक लिया है यहाँ पर, ठीक है. जो हेडिंग है दिस इज़ द हेडिंग, तो इसका बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक लिया है, और जो इसका टेक्स्ट कलर है मेन उस कलर को क्या लिया है हमने व्हाइट. तो यहाँ बैकग्राउंड में हमारा ब्लैक कलर शो हो रहा है और हेडिंग का कलर व्हाइट शो हो रहा है. नेक्स्ट डिव के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर जो लिया है इसका ब्लू लिया है यहाँ पर ये, ठीक है, और जो इसका मेन कलर है वो व्हाइट कलर लिया है यहाँ पर. जो दिस इज़ अ डिव, ये व्हाइट कलर यहाँ पर शो हो रहा है. तो नॉर्मली अगर हम कोई भी टेक्स्ट यूज़ करेंगे पूरी बॉडी के ऊपर तो उस कलर में ही ब्लू कलर शो करेगा. मैं भी आपको एक और बॉडी के अंदर, ये यहाँ पर बॉडी के अंदर एक और हेडिंग मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ. H1 मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है. H1 हेडिंग मैंने क्रिएट की और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो हेलो वर्ल्ड. मैंने इसे सेव किया, ठीक है, और मैं इसे यहाँ रिफ्रेश करके देखता हूँ. तो हेलो हेलो वर्ल्ड यहाँ अलग हुआ, अलग ये कैसे हुआ हमने, सॉरी वर्ल्ड मैंने ऊपर अलग लिख दिया. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड. तो अभी हम देखेंगे कि H1 की जो हमारा यहाँ पर शो होगा वो इसका बैकग्राउंड शो होगा कौन सा ब्लैक कलर का हो, और जो फ्रंट का शो होगा वो होगा वाइट कलर का. इसका एक मेन रीज़न ये है कि हमने ऊपर जो H1 पास कर रखा है यहाँ पर उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड जो इसका मेन कलर होगा वो वाइट यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है. क्योंकि हमने हेडिंग H1 की दो बार यहाँ पर ट्वाइस हमने यूज़ की, बट अगर हम इसको H1 की जगह H2 कर देते हैं, ठीक है, मैंने इस हेडिंग को H2 कर दिया और कंट्रोल एच से सेव किया. इस कंडीशन में हम देखेंगे कि इसका कलर ब्लू हो गया, क्योंकि फुल बॉडी का कलर जो हमने बैकग्राउंड का यहाँ शो कर रखा है कि बॉडी के ऊपर जो भी टेक्स्ट यूज़ करें हम उसका कलर क्या हो ब्लू हो. तो एक ये हमने प्रॉपर्टीज़ में देखी किस तरीके से हम नॉर्मली कलर यूज़ कर रहे हैं अगर बॉडी के ऊपर तो उसका कलर क्या सेट होगा, ठीक है, और उसे हेडिंग वाइज अगर हम H1 दे देते हैं तो उसका कलर पर्टिकुलर क्या चेंज होगा, कि हम उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं और फ्रंट का कलर भी चेंज कर सकते हैं. तो इस तरीके से बैकग्राउंड कलर और फ्रंट का कलर और टेक्स्ट अलाइन ये इस वीडियो के अंदर हमने दिखाया पूरा प्रॉपर तरीके से. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ जो उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.